वाला रिसॉर्ट माय मोस्ट फेवरेट प्लेस, हमेशा मैं एक मेरा ड्रीम था कि मैं इस जगह पे आऊँ लाइव मारकोर देखने का, और इतने करीब से नहीं तो ये हज़ारों फीट बुलंदी की चोटियों पे पाए जाते हैं। अगर ये जूम इन करें तो ये जो सात हार्ट हैं ये बहुत खूबसूरत है। अभी हम शंग्रीला रिसॉर्ट में इन हो गए। यहाँ से आप मेन से आप टिकट बाय करते हैं, फर्दर फिर पार्किंग है, और अब हम आगे अपनी टिकट्स वगैरह दे के इंटर हो गए हैं। ये देखें यहाँ की जो मेंटेनेंस है, ये इस वजह से आपसे चार्ज करते हैं। ये इस तरीके का बड़ा बेहतरीन किस्म का जो है ना ग्रिल्स लगी हुई हैं, ये फुली मेंटेन रखा हुआ है इन्होंने, और अंदर हर किस्म के फ्रूट के आए आप मेरे साथ। मैं आपको शंग्रीला रिजॉर्ट माई मोस्ट फेवरेट प्लेस, हमेशा मैं एक मेरा ड्रीम था कि मैं इस जगह पे आऊँ। तो आए आपको ये लेक दिखाते हैं, और शंग्रीला रिजॉर्ट का हमारी आंख देख पा रही है। और ये ट्राउट फिश है, ये अगर जूम इन करें ये ट्राउट फिश है। ये सिर्फ बर्फ और ठंडे पानी के अंदर होती है, ये सारी ट्राउट फिश है। यहाँ पे फिशिंग लाभ नहीं है, यहाँ पे आप ड्रग्सों से फूड वगैरह नहीं तोड़ सकते, लेकिन ये जो एटमॉस्फेयर इन्होंने दिया, अगर इस साइड पे भी दिखाएं तो हमारे कैमरामैन भाई अगर थोड़ा सा वहाँ पे लाएंगे तो ये आप चेक करें। एक यहाँ से एक कुदरत का हसीन नज़ारा है। और जो यहाँ पे अगर आप बुकिंग्स वगैरह भी कराना चाहें तो यहाँ पे आइए। आई थिंक वैसे हमारा स्टे का यहाँ पे नहीं है, लेट्स सी आगे से पता करते हैं अगर कोई स्टे की। डेफिनेटली यहाँ पे होंगे रूम्स होंगे रहने के लिए फैमिली। फ्लावर्स बहुत प्यारे हैं यहाँ का, ये आप दिखाएं अगर। और हल्के हल्के बादल जब आ रहे हैं उसके बाद इसका नज़ारा ही, और इसका फील चेंज हो रहा है एकदम से। लेक के करीब पहुंच चुके हैं, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ बोर्ड्स वगैरह पे जो है वो कुछ डिटेल्स मेंशन है। फर्दर साथ साथ आप आए हम आपको कंप्लीट टूर देने का कोशिश करते हैं। एंड अगर ये अब्बास भाई हमारे साथ भी है कैमरामैन वाले भाई, और मुझे हमेशा से एक था कि मैं विज़िट करूँ शंग्रीला रिज़ॉर्ट। फाइनली वी आर हेयर। एंड अगर ये भी आप दिखाएं बोटिंग भी, फिर अगर वो साइड में जो है सात हार्ट हैं ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। लेक के साथ साथ अगर आगे आए तो यहाँ पे आपको PIA का जहाज भी मिलेगा भाई। एयरपोर्ट में आ गए हम शंग्रीला के। अच्छा ये एक जस्ट एक वो है डिस्प्ले है ऐसा, इसके अंदर आई थिंक रेस्टोरेंट बना हुआ है। और आए अगर तो आपको जहाज दिखाते हैं अंदर से। हम अभी सीधा जाएंगे इस्लामाबाद। ये देखा बिल्कुल, ये पहले इधर रेस्टोरेंट का इन्होंने भी सेटअप किया हुआ था, कोई यहाँ पे कैफे कैफे स्टाइल में कोई चीज थी। और लकड़ी का जहाज है ये, डूबेगा नहीं कम से कम पानी में। क्या बढ़िया था गुरु।
अच्छा अपन को चूरा ले। अच्छा ये जहाज के हम टेल साइड पे आ गए और लेकिन गुड बेहतरीन आई थिंक सो ये होगा कोई असल जहाज ही लेकिन इसको इन्होंने बाद में रेनोवेट करके और अंदर वुडवर्क करके इन्होंने इसको बनाया। तो पायलट सीट पे मैं ही हूँ अभी, आप चले बाहर साहब। आर यू कॉमेडी मी? हाँ जी थोड़ा सा आगे का हम व्यू दिखाते हैं आपको, आइए हमारे साथ। क्या बात है, क्या बेहतरीन मेंटेन किया है। हाँ जी आप थोड़ा आगे, मुझे एक वैली सी दिख रही है, बहुत खूबसूरत घने दरख्त हैं और पहाड़, और जो मुझे यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ यही लगती है यहाँ की जो डिज़ाइन के बने हुए हैं ना हर स्टाइल में, ये बहुत खूबसूरत है। और रेड कलर इस ये कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत खूबसूरत है। अच्छा ये रूम बने हैं यहाँ पे स्टे के लिए, आप नाइट स्पेंड कर सकते हैं। आते जाएं अगर आपने शिमरेला पूरा एक्सप्लोर करना है, शिमरेला रिजॉर्ट। तो वहाँ तक के ही नज़ारे दिखाते हैं, होपफुली आपको पूरा एक व्यू आ रहा होगा इसका और इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा हो रहा होगा। हसीब भाई कैसा आपका एक्सपीरियंस जा रहा है, ज़रा शेयर करें। बहुत अच्छी जा रहा है, दिल तो यही करता है कि बंदा यहाँ से जाए ही नहीं, समझ रहे हो। लेकिन बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, बहुत जी मजा आ रहा है इनको। ये देखिए ऊपर बैठ गए हैं, ऊपर बैठ गए हूँ। ये ग्रिल है ना, इसके ऊपर बैठ गए, इनको इतना मजा आ रहा है। लेकिन व्यू का मजा है, व्यू का बहुत मजा है। आप देख लीजिए किस तरह से ये डेकोरेट हुए हैं, इन्होंने किए हुए हैं कलरिंग में, वो अलग है सर। हाँ वो अच्छा, यहाँ सबसे बेहतरीन जो है ना ये फिश के अंदर मछली कौन सी है, ये तीन किस्म की मछली है। अच्छा ट्राउट है, ट्राउट कार्फ देसी, ट्राउट कार्फ और देसी। अच्छा ये ट्राउट कार्फ और देसी तीन किस्म की यहाँ पे जो है ना फिशेस हैं। और क्या एक बिल्कुल नेचुरल ऐसे मतलब कि इन्होंने इस चीज़ को वो रखा हुआ है, यहाँ पे आप आके हंटिंग नहीं कर सकते, लाइक कोई फूल नहीं तोड़ सकते, कोई दरख्त से कोई फल नहीं तोड़ सकते, इस वजह से ये नेचुरली मेंटेन हुआ हुआ है। और यहाँ पे बिल्कुल ही कुदरती मनाज़र दिखी, वही थोड़ा सा आगे जाते हैं, थोड़ा सा आगे आए ना, ये इधर से फिशेस देख सकते हैं आप। आएंगे ये देखिए ना, अगर आप तो ये अगर कैमरा आपको दिखा सके, क्या बात है। बहुत खूबसूरत। A few moments later, लेक से हम थोड़ा सा ऊपर हाइक करके आए हैं, स्टेयर्स बनी हुई हैं प्रॉपर, एंड यहाँ पे हमने एक चीज़ जो मुझे सबसे अच्छी दिखी है रास्ते में, हमें एग्रो फॉर्म्स दिखे हैं, बड़े बेहतरीन किस्म के इन्होंने फार्मिंग्स की हुई है वेजिटेबल्स के लिए, फ्रूट्स के लिए, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है इस वक्त यहाँ पे अभी हमें। ये एक तो आप देखें, और एक और ज़बरदस्त चीज़ अगर आपको दिखाएं तो ये यहाँ पे, ये अगर आप देख सकें तो हेलीपैड है,
आप आए थोड़ा मैं आपको वहाँ से व्यू दिखाता हूँ। ये हेलीपैड है एंड इधर से आप नज़ारा देखें, क्या खूबसूरत जगह, पहाड़ों के बिल्कुल दामन में खूबसूरत वादी है ये। अगली दफा अपने हेलीकॉप्टर पे ही आऊंगा। ये बात है, अरे सर क्या बात। तो चलें, फाइनली पता चल गया यहाँ पे हेलीपैड है। आए थोड़ा सा आपको ये एरिया दिखाते हैं, इसके बाद फिर इससे ऊपर भी है कुछ एरिया, वो डोंट नो वहाँ पे क्या है, क्योंकि मैं खुद फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रॉपर ये रोड बना हुआ है नीचे भी ना, बहुत वेल मेंटेन है जी, हाईली रिकमेंडेड प्लेसेस है। आप यहाँ पे आए और इस व्यू को एंजॉय करें। यहाँ पे हेलीकॉप्टर है तो हेलीकॉप्टर पे जल्दी पहुँच जाएंगे, नहीं तो बाय रोड तो बहुत टाइम लगता है। और आए थोड़ा ऊपर जाते हैं, अगर झील से ऊपर आएंगे हेलीपैड तो मैंने आपको दिखा दिया, फर्दर आप आएंगे तो घना जंगल आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मेरे बैग पे आप ये कैमरे में आपको शायद उस तरह का व्यू आ रहा है, ये नीचे थोड़ा सा दिखें, ये घना जंगल है और थोड़ा साथ चलें आप तो ये ट्रैक बना हुआ है इस तरह का, ये आगे तक जाते हैं देखते हैं वहाँ से व्यू पॉइंट है और कैसा व्यू पॉइंट है वो भी देख सकते हैं। ऊपर जाएं, ऊपर चले जाते हैं जी, आए जरा आप देखिएगा बस इससे ज्यादा ऊपर नहीं आ सकते, बस आप इधर ही पाओ अपने रखें फिक्स, बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। ये व्यू पॉइंट है बहुत ही खूबसूरत, शंग्रीला व्यू पॉइंट तक हाइकिंग करके आ चुके हैं, आए आपको व्यू पॉइंट दिखाते हैं। A few moments later. उस पॉइंट पे शंग्रीला रिजॉर्ट के जहाँ पे इन्होंने मारखोर रखे हुए हैं और चार दीवारी के अंदर हैं, ज़रा आप देखें अगर कैमरा मैन आपको दिखाएं तो ये ज़रा जाएं आगे मारखोर एक इस साइड पे और एक वो सामने। तो मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है लाइव मारखोर देखने का और इतने करीब से, नहीं तो ये हज़ारों फिट बुलंदी की चोटियों पर पाए जाते हैं। अगर ये जूम इन करें तो आपको दिखेगा कि ये चीज़ चार दीवारी में और ये एक पहाड़ का टुकड़ा इन्होंने बीच में रखा हुआ है ताकि ये प्रैक्टिस करते रहें ऊपर पहाड़ पे। बात तो सही है। Thank you.
हूँ।